अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करने वाले हैं आज की बिडिंग के हवाले से। जो गाड़ी हमने बिड की थी कल रात को, उसके क्या रिजल्ट्स आए। 660 सीसी और 1000 सीसी कैटेगरी में गाड़ियाँ थी, उस पर हमने बिड किया था अपने मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए जो यूट्यूब के थ्रू हमारे पास आए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो दयासु ताफ्ट होंडा N1 पे मैंने बिड किया था। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से 660 सीसी कैटेगरी में तो कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। ताफ्ट और RS ये होंडा N1 पे किया था, इसके अलावा 1000 सीसी में रेस भी किया था। तो कोशिश करता हूँ कि सब गाड़ियों की मैं कैलकुलेशन बता दूँ। ये जो गाड़ी है ये है यहाँ पे तो 2024 मेंशन किया गया है और बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, लेकिन इसमें ट्रिपल स्टार कंडीशन में है, मतलब डैमेज कंडीशन में। जब मैंने इसका जैसे डाल के चेक किया तो ये 2023 मॉडल थी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हल्की सी ये गाड़ी लगी है फ्रंट से साइड से, और ये जो इसका कवर होता है फ्रंट में बम्पर में ये एक गार्ड सा होता है, तो ये उतरा हुआ है, तो ये इजली अवेलेबल भी हो जाता है, मतलब वहीं से जापान में बंदा डाल सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हल्की सी ये साइड भी लगी है जो कि ना होने के बराबर है, और अगर लाइट डैमेज भी हो या क्रैक तो होगी तो फिर तो रिपेयर भी हो सकती है, अगर डैमेज भी मुझे इतनी नहीं लग रही। यूएसएस निंजा के थ्रू हमने पिक्चर चेक की थी तो ठीक था, मतलब इतना मसला नहीं था। तो मैंने वैसे ही लो बिड डाली थी। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी 329 किलोमीटर चली है, यहाँ पर अगर आप देखें 329 किलोमीटर, तो ये 2000 सीसी से नीचे कैटेगरी में आती है, तो जो कि ब्रांड न्यू कंसिडर की जाती है पाकिस्तान में, और इसकी ड्यूटी फिर ज़्यादा हो जाती है थोड़ी सी। 23 मॉडल है, ब्रांड न्यू हुआ है, लेकिन इसमें RD जब ब्रांड न्यू कंसिडर की जाती है तो फिर उसमें RD का मसला आ जाता है कि RD जो है वो इस पर इम्पोज हो जाती है। तो इस पर मैंने वैसे ही लो बिड डाली थी। यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे 3,10,000 मैंने इस पर बिड डाला था, ये गई तकरीबन 7,25,000 में। 7,25,000 के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो इसकी मैं बताता हूँ कि क्या कॉस्टिंग आएगी ये वाली। अगर आपने भी इम्पोर्ट करनी है तो बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, 0333-963-692 पर मुझसे बात कर सकते हैं, आपके लिए भी गाड़ी इम्पोर्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके लिए हम बिडिंग करते रहते हैं। एक एस आई डी से दो तीन और आईडीज़ हैं मेरी, तो उनसे भी हम बिडिंग करते हैं। अच्छा जी, फ्रेट तकरीबन 230 तक आप लगा लें, इसका मल्टीप्लाई 2 कर दें। यूसेस का यूश थोड़ा सा दूर का इलाका है, मैंने तो थोड़ा सा कम किया हुआ, लेकिन मैं जनरली वैसे ही अभी रफली आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, आजकल TT का रेट चल रहा है 19,10,000 जापान भिजवा दिए, प्लस 23 मॉडल की ड्यूटी 13.5 लाख के लगभग, 150,000 एक्सपेंस के डाल दें कराची के, और PRC आप डाल लें तकरीबन ये 2.5 लाख रुपए। ये 13.5 लाख के PRC हम लेते हैं 11 के लिए, तो उसका आजकल 2,50,000 रेट चल रहा है, तो 33,60,000 जो कि बहुत ही कम है। इसमें RD के पैसे हैं तकरीबन वो 1-2 लाख होंगे, तो अभी साथ में कर चल रहे फर्ज कर लें 1 लाख रुपये RD के लगा। लेकिन इसमें एक ट्रिक होता है कि आप उधर जापान में कह के कि भाई ये आप थोड़ा सा मीटर थोड़ा सा वो कर दें, मीटर को आगे कर दें, तो वो इस तरह कर सकते, बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आप कह सकते हैं बाज़ी कंपनी कर लेती हैं। शिंचू मेरे ख़ास से इतना, क्योंकि असल में इलाका दूर है तो हर जगह तो उनका स्टाफ अवेलेबल नहीं होता। अच्छा जी, अब आते हैं इस पर, इसमें क्या मसला है जी। 22 मॉडल है ये, जी बिल्कुल 22 मॉडल ही था, ऑरेंज कलर थोड़ा सा ऑड है, लेकिन चलता है कराची में इस्लामाबाद इन साइड्स पर। 24,000 चलिए, 3 ग्रेड की, मसला क्या है इसमें, RS गाड़ी है, इसमें ये है कि हेल स्टॉर्म हेल डैमेज गाड़ी है, ये ओले पड़े हैं इस पर, और मतलब घर की ये सेट गाड़ी है, अगर आपने रिपेयर करनी है तो डेंट निकल भी सकते हैं। इस साइड पे भी एक यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइंस है काफ़ी गहरी जो है, स्क्रैचेस हैं और डेंट भी है। इस पर मैंने लो बिड डाला था, और इसकी मैं आपको बताता हूँ कि किस प्राइस पर ये गाड़ी गई है, ये सबसे टॉप में थी। इस पर मैंने 5.5 लाख बिड डाली थी, और मैं चेक करता हूँ, असल में हमारे पास यूएसएस की लिस्ट आती है, इसकी सोल प्राइसेस हमें शो नहीं होती। तो जो प्राइस है, लॉट नंबर 65134 की ये सोल्ड ऑन नेगोशिएशन, तो इसकी हमें प्राइस पता नहीं चल सकती, कंपनी टू कंपनी आप इसमें बात कर लेते हैं, तो इसको स्किप कर देते हैं। इसके बाद आते हैं जी नीचे इस रेड पे, रेड वाली जो गई है 6,60,000, ये 22 मॉडल शो कर रहा था, लेकिन ये असल में थी 21 मॉडल। ये भी हेल डैमेज गाड़ी है, स्टॉम ओले पड़े हैं इस पर, छोटे छोटे डिम्पल्स हैं, बोनट पे थोड़े से गहरे हैं, लेकिन छत पे इतने गहरे नहीं हैं। बाकी गाड़ी सेट है, 18,000 चली है, और इंटीरियर भी अच्छा है, बुरा नहीं है। इस पर मैंने जो बिड डाला था 6,60,000, ये गाड़ी गई कितने में जी, लॉट है 65,239 गाड़ी जो गई है जी, ये 8,65,000 की जी, थोड़ी सी ऊपर गई है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में इसकी प्राइस भी ज़्यादा है। इसमें फ़ायदा ये है 660 सीसी
वाइड कैटेगरी की गाड़ी है ये, जिसमें मून रूफ आता है, छत पे ग्लास होता है, आधा ग्लास होता है, बाकी जो है ये स्टील बॉडी होती है। तो 865 जमा 230 कर दें, मल्टीप्लाई 2 कर दें, प्लस ये मैं चेक कर लूँ, वैसे कंफर्म करना पड़ेगा कि ये कौन सा मॉडल है, यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे आता है या नहीं आता जी। 21 मॉडल है, तो यहाँ पे 10 लाख ड्यूटी लगा लें, 150 कर दें, प्लस 240 कर दें जी, 35,80,000 की ये आपको कॉस्ट करेगी। रंग थोड़ा सा ऑड है, वरना तो इसकी प्राइस यहाँ पे 43-45 लाख रुपए, जो कि अच्छे प्राइस में अभी भी गई है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आते हैं इस वाली गाड़ी पे जो मैं रेस का बता रहा था, ये वाली बड़ी खूबसूरत गाड़ी थी। फ्रंट में आप चेक करें जी, क्रोम की ये ट्रिम जो है ये बड़ी पसंद आई मुझे। इसकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा, जो फ्रंट में किट्स हैं, किट्स के साथ बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये ब्लैक गार्ड जो है ये उतरा हुआ है, कंडीशन डीडी है, एक्सटीरियर बीडी है, इंटीरियर बीडी है। यहाँ पे क्रोम की पट्टी देखें दोनों डोर्स पे, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे मैं दिखा दूँ, 3.5 है इंटीरियर, एक्सटीरियर X2 है, फ्रंट बम्पर का कहा गया कि यार इसको रिप्लेस करें, लेकिन मेरे ख्याल से ये रिपेयर हो सकता है, इतना बड़ा मसला नहीं। U4 है, यहाँ पे एक फेंडर पे गहरा डेंट है, ये भी रिपेयर हो सकता है। इस पर मैंने एक मरतबा बिट डाली, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, एक मरतबा मैंने इस पर बिट डाली जी, ये 14,60,000, फिर दोबारा मैंने 15,85,000 कर दिया, लेकिन गाड़ी गई 18,58,000 में। अगर ये ठीक हालत में होती तकरीबन 22 लाख की गाड़ी दी है। 18,58,000 प्लस 240 लगा दें फ्रेट इसका, मल्टीप्लाई 2 कर दें, प्लस इसके अलावा अब बारी आती है इसकी ड्यूटी की। तो ये 20 मॉडल है, 20 मॉडल यहाँ पे 11.5 लाख ड्यूटी, 2 लाख अदर एक्सपेंस के डाल दें, प्लस 2.5 लाख PRC के डाल दें या 230 कर दें, तो तकरीबन 58 लाख की एक गाड़ी कॉस्ट कर रही है, जो कि मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा ज़्यादा। इस तरह ये गाड़ी इसी रेट में गई है, 13,30,000 मेरे बिट डाली, 15,82,000, जो कि वो कह था कि यार माइलेज अच्छी हो, बाकी रिपेयर रेट हो कोई मसला नहीं है। जेड वेरिएंट है, ब्लैक कलर है, अच्छा लगता है इसमें। एक साइड पे अगर आप देखें, एक पीस, दो पीस, तीन पीसेस के टच हैं। एक यहाँ पे B4 है, ये जगह थोड़ी सी बहुत ही गहरी रगड़ है, तो कंडीशन इतनी बुरी नहीं है। 14,000 चलिए, लो माइलेज है, 20 मॉडल है, तो इसकी मैं कॉस्टिंग निकालता हूँ, 15,82,000 प्लस 240 मल्टीप्लाई 2 कर दें, प्लस इसके अलावा जो है ये 11.5 लाख ड्यूटी के लगा लें, प्लस 2 लाख अदर एक्सपेंस के, 2.5 लाख, तो 52,40,000 की एक गाड़ी गई है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। घर वाले हजरा जो गुरु के घर की ले रहे हैं तो वो ठीक है। यहाँ पे इस तरह ये 221 लॉट जो है 17,98,000 की गई है। इसमें क्या मसला है जी, ये एक साइड से बड़ी रफ़ है, B4 आप देख सकते हैं, B2 भी है, तो दोनों दरवाज़ों में डेंट्स हैं, जो कि ईजली जो है डेंट से निकल सकता है, बाकी गाड़ी ओके, कोई टचिंग नहीं है। XTS का ई है, 17,98,000। असल में हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो 45 का कह रहे हैं 48 तक, तो मेरे हिसाब से आजकल तो बहुत ही ज़्यादा आउट है। 1.5 महीने से हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमारी गाड़ी नहीं लग रही रेज में। इस तरह ये फ्रेंड में इसके साथ लगा दूँ, मल्टीप्लाई 2 प्लस अच्छा ये 21 मॉडल है, तो 21 मॉडल की ड्यूटी 13.5 लाख, 150,000 एक्सपेंस, प्लस 2.5 लाख, तो 58,26,000 की ये वाली कॉस्ट कर रही है एक आर ए ग्रेड की गाड़ी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, कांडी हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।